वर्ष के पहले शुरू हो रहे सत्र में विपक्ष के सहयोग के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता और अपना दल के नेता तो जरूर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और सपा ने अपने प्रतिनिधि भेजे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। सत्र का पहला संबोधन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस बीच सदन की कार्रवाई निरंतर चलती रहे, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विपक्षी पार्टियों के सहयोग करने के लिए विधान भवन के कक्ष संख्या 15 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। दूसरी तरफ सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। सपा के प्रदेश कार्यालय में विधायक मंडल की बैठक के बाद विधायक इरफान सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह साल का पहला हाउस है। गवर्नर के भाषण के दौरान किस तरह से विरोध करना है, इस पर चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं और सत्र के दौरान सरकार को बताएंगे कि सीए और एनआरसी कितना गलत है। इरफान सोलंकी ने कहा कि सत्र के दौरान विरोध में कागज के गोले नहीं फेंके जाएंगे। हमारी ये परंपरा है, जब भी विधानसभा चालू होती है उससे पहले, चाहे हम सरकार में हों या विपक्ष में हों, उससे पहले मीटिंग होती है कि कल के लिए हम लोगों को क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि कल इस साल का पहला हाउस है और इसमें जो हमारे गवर्नर महोदय हैं वो आके उसमें भाषण देंगे, तो किस तरह से हमें विरोध करना है और महिला का किस तरह से सम्मान करना है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर गोले भी फेंकते थे और गवर्नर साहब का विरोध करते थे, पर महिला का सम्मान करा जाएगा, इस बार गोले ना फेंकने की हम लोगों को हिदायत दी गई और ये भी कहा गया है कि पर विरोध होगा। रजनीश छवि, जनमत न्यूज़, लखनऊ।